नमस्कार साथियों, मैं आपका जो सीतम राजा मरकाम आप लोगों को एक नया टेक्निक और एक नया ब्लॉग के साथ चलिए चलते हैं आगे और आपको दिखाएंगे कि आपका दुकान अगर किसी कार्यक्रम में वैसे बंद होता है तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। चलिए चलते हैं आपके लिए नए जानकारी लेकर आगे। नमस्कार साथियों, अगर आप एक दुकानदार हैं और दुकान किसी दिन आपको खोलना ना पड़े और या फिर 4-5 दिन के लिए बंद करना पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। हालांकि दुकान तो कोई बंद करना नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा समय आ जाता है कि कभी कभी दुकान को बंद करना पड़ता है 2-3-4 दिन के लिए। तो ऐसा समय क्या क्या हो सकता है, आपके यहाँ शादी हो या फिर कोई कार्यक्रम हो, तो आप इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। जो जिनके साथ बीत चुका है उनसे सुनी हुई एक कहानी। तो क्या होता है कि अगर दुकान बंद हो जाता है तो ग्राहक लोग आपके पास फ़ोन करने लगते हैं, आपके दुकान के पास जाने के बाद फ़ोन करने लगते हैं कि भैया आप कहाँ हैं, दुकान आज बंद किए हैं, या फिर किसी को जानकारी रहता है वो तो फ़ोन नहीं करता है, लेकिन किसी के पास जानकारी नहीं है तो आपको फ़ोन करेगा कि भैया आज कहाँ चले गए हैं और मैं इतना सामान लाया था। इन सब के बारे में आपसे मतलब फ़ोन के ज़रिए संपर्क करते हैं, या फिर आपको समय पर क्या डिलीवरी लेना हो, या फिर आप ऑर्डर किए हुए सामान मतलब आपकी दुकान तक पहुँच जाए या उस समय आपका दुकान बंद हो तो आप क्या करेंगे। मतलब बहुत ऐसी बात है जिसे मतलब जब बंद हो जाने के बाद इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो उस समय क्या सोल्यूशन है और क्या करना चाहिए आपको, इसके बारे में आज बात करते हैं। मान के चलिए आपके यहाँ शादी है और आप दुकान खोलना चाहते हैं, घर में शादी है तो क्या कर सकते हैं। मतलब क्या है, ऐसा कुछ होता है जिससे मतलब काफ़ी देखने को मिलता है कि आज मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, इन सब के बारे में सोचना पड़ता है। तो हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऐसी बातें आपके सामने आती रहेगी, तो आप ऐसा करिए, आप 2-3 दिन के लिए दुकान बंद करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए, मैसेज कर दीजिए, या फिर आप किस कारण से नहीं है ऐसा करके आप व्हाट्सएप स्टेटस भी डाल सकते हैं। बहुत सारे हैं मतलब ऐसे सोशल मीडिया हैं जिसके जरिए से आप मतलब लोगों को बता सकते हैं कि आज मेरा दुकान बंद है और आप प्लीज़ दुकान पर ना आए, ऐसे करके मतलब सोशल मीडिया में बहुत सारा आप ऑप्शनल है तो उसको आप डाल सकते हैं। हाँ, अगर जो नहीं चलाते हैं सोशल मीडिया उनके वो ग्राहक आपकी दुकान पे आ गए तो आप कैसे करेंगे। मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है, यानी कि आपके कस्टमर हमेशा बने रहते हैं, इसीलिए मतलब आपको उस समय पे उनको बताना पड़ेगा कि भैया आज मेरा दुकान इतना दिन के लिए बंद रहेगा तो मैं आप सेवा नहीं दे पाऊँगा। तो ये तो ग्राहक वाली बात होगी। अगर आप बड़े दुकानदार हैं, उनके पास डिलीवरी होना है और बहुत सारे सामान आने जाने हैं, तो वैसे स्थिति में वो क्या कर सकते हैं, उनको भी समय पर मतलब उस डिलीवरी को टालना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भैया मेरे यहाँ इस टाइम में मतलब ये कार्यक्रम है तो मैं आप एक काम कीजिए, आप 4 दिन के बाद भेजिए या फिर 4 दिन के बाद आप ये माल डिलीवर कर सकते हैं या आपको यह मिल सकता है। हम लोग कह रहे थे कि महाजन, बड़े महाजन होते हैं, वो क्या करते हैं, आप उनसे सामान ले रहेंगे, 15 तारीख को सामान का पैसा देना है, आपके यहाँ 15 तारीख को शादी है या फिर कोई भी कार्यक्रम है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप उनको भी बात को टाल नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें 2-3-4 दिन पहले बता दीजिए कि हम लोग के यहाँ ये कार्यक्रम है और तो हम यह कर अभी आपके पास हम लोग नई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी स्थिति में भी क्रेडिट ख़राब होता है, उससे पहले आप बता दीजिए कि भैया हम लोग को ऐसा ऐसा समस्या है, या फिर आप उन्हें निमंत्रण के जरिए स्वीकृत कार्ड दे दीजिए, अभी कुछ भी मतलब आप उन्हें पहले इनवाइट कर दीजिए। इससे मतलब क्या होगा कि आप लोगों की जो समस्या है जो है वो हल हो जाएगी और आप मतलब इस बड़े संकट से बच सकते हैं। ऐसी समस्याएं बहुत ही आएंगी और ऐसी समस्याओं को आपको हल करना पड़ेगा, तो आप इन सारी समस्याओं को बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप सोशल मीडिया ये सब में डाल के अपना उनसे मतलब सहयोग ले सकते हैं या फिर आप सहयोगी बन सकते हैं। तो आज का वीडियो यही टॉपिक है और बहुत सारी समस्याएं और हैं, लेकिन इनके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। और मैं ये कह रहा था कि मतलब सबसे अच्छा है कि बिजनेस आपकी दुकान बंद कैसे होगा, तो आप दुकान में तो किसी और को बैठा नहीं सकते हैं, लेबर के भरोसे रह नहीं सकते हैं, आपको स्वयं बैठना रहता है, क्योंकि ये बिजनेस पैसों का खेल है, पैसों का मामला रहता है, आपके सामान क्या क्या रेट हैं वो सबको आप ही को पता रहता है, आपके भाई हैं या कोई भी, फिर भी उस समय में आपको ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसी स्थिति में भी आपको स्वयं इस कार्य को संभालना पड़ेगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से बहुत सारी वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।